हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 13 अगस्त 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू, पीआईबी, न्यूज ऑन एआर, योजना, दैनिक जागरण, इनकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती है प्रीलिम्स के लिए, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन में। आज की हमारी डिस्कशन में 12 अगस्त और 13 अगस्त दोनों की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले जो आज आर्टिकल आया है बेसिकली उसको हम यहाँ पे देखते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल आया हुआ है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि अभी नीति आयोग और सीआईआई कॉन्फेडरेशन इंडेक्स ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा बेसिकली एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है वो लेने की बात हो की गई है। क्या इनिशिएटिव है उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में जानने की कोशिश है वो करते हैं। देखो, बात यह है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो जारी किया जाता है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एनसाइड, इसी के साथ ही वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन मतलब WIPO और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है, इन दोनों के द्वारा मिलके वर्ल्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। यूपीएससी डायरेक्टली एक या दो इंडेक्स वो हर साल पूछती रहती है, तो वहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनकी रिविजन वगैरह हम अभी से तैयार रखें। देखो, आपको बता दूँ कि जो भी इस तरीके के इंडेक्स वगैरह हैं जो न्यूज़ में रहते हैं और स्पेशली जिनमें इंडिया की हालत ज़्यादा खराब है या फिर अच्छी है, उनके ऊपर यूपीएससी ज़्यादा फोकस है करती है, तो हमें इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप इनको एक या दो दिन में रट पाओगे। बेटर ये रहेगा कि डेली आप एक या दो इंडेक्स है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़िएगा। जब हम डिटेल से किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन तो याद हो ही जाती है कि भाई एटलीस्ट जारी है वो कौन करता है। तो जैसे कि अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जो कि है एनसेड की, इसी के साथ ही वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों के द्वारा मिलकर जारी है वो किया जाता है। इसमें किस पे फोकस किया जाता है वो भी हम देखते हैं। देखो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसमें फोकस किया जाता है कि इस कंट्री के अंदर इनोवेशन पे कैसे फोकस हो रहा है, मतलब नए नए आइडियाज वगैरह पे स्टडी वगैरह हो रही नहीं है, उनके ऊपर काम किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, कैसा है उसका आउटकम आ रहा है, नई इकोनॉमिक रिसोर्सेज में किस तरीके का उनका कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह है। मतलब सीधी सी बात यह कि नया काम वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, इनोवेशन कोई नई तरीके की टेक्निक वगैरह आ रही है, किस तरीके से उसको आगे प्रमोट है वो किया जा रहा है, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स का यूज किया जा रहा है, इनका बेसिकली यूज है वो किया जाता है। तो जब भी ये इंडेक्स तैयार किया जाता है तो इसमें लगभग 80 से ज्यादा इंडिकेटर्स हैं, उनका यूज किया जाता है, उसके आधार पे इस इंडेक्स को प्रिपेयर है वो किया जाता है। अब हम बात करते हैं इंडिया के इंडेक्स के बारे में, जिस तरीके जिस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो, जब बात करें हम 2018 के इस इंडेक्स की कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2018 की इंडिया की रैंकिंग, तो 2018 में इंडिया की रैंकिंग थी 57, 2017 में थी 60, 2016 में थी 66 और 2015 में थी 81। तो हम एक चीज यहाँ पे देख पा रहे हैं वो ये है कि पिछले 4 सालों में लगातार इंडिया है वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अच्छा काम वो कर रहा है, मतलब इंडिया है वो लगातार तरक्की कर रहा है। अब यूपीएससी यहाँ पे एक तो ये से पूछ सकती है कि कुछ टाइम से जो इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो हमेशा डाउन रहा है, मतलब तो हमें नहीं पता होना चाहिए कि नहीं भाई, पिछले 4 सालों से लगातार इंप्रूव है वो हो रहा है, घट नहीं रहा है। तो ये चीज हमें थोड़ी यहाँ पे आइडिया हो जाता है। अब हमें ये नहीं कि एग्जैक्टली डाटा रट के बैठना है कि भाई पिछले 2015 में क्या था, 2016 में क्या था, 17 में क्या था, बस 18 का ध्यान हो तो ही होता है कि 18 में इंडिया की रैंकिंग वो 57वीं रैंकिंग हो रही है। अब इंडिया ये चाहता है कि भाई इस जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसमें इंडिया को टॉप 10 में स्थान वो मिले, मतलब इंडिया में अच्छे तरीके से इनोवेशन हो, अच्छे तरीके से रिसर्च हो, नए नए आइडियाज वो स्मार्ट आइडियाज की तरह इंप्लीमेंट है वो किया जाए। सीधी सी बात है कि इंडिया की दुत्ती बोले, इसके लिए इंडिया चाहता है कि बहुत अच्छे लेवल पर काम किया जाए। और इसीलिए नीति आयोग और सीआईआई है, इन दोनों ने मिलकर भी एक ज्वाइंट इनिशिएटिव लेने की बात है वो की है ताकि हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अपनी रैंकिंग है उसको और ज्यादा बूस्ट कर सकें और टॉप 10 में हम अपना स्थान है वो बना सकें। बात करें हम 2018 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तो इस बार की थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम वो कुछ इस प्रकार है कि एनर्जाइजिंग द वर्ल्ड विद इनोवेशन, मतलब हमें जो नया वर्ल्ड या नई जो नया वर्ल्ड आने वाला है एक तरीके से आप बोल सकते हो, इसके अंदर हमें एनर्जी प्रोवाइड करवानी है। किसकी हेल्प से? इनोवेशन की हेल्प से, मतलब हमें नए नए आइडियाज, नए नए जो नवाचार होते हैं उनकी हेल्प से वर्ल्ड में एक एनर्जी का माहौल है, एनर्जी प्रोवाइड है वो करनी है। ये बेसिकली इसकी थीम है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट बिल 2017 के बारे में। कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि अभी लोकसभा के द्वारा ये आरपीए बिल 2017 ये पास कर दिया गया है, तो हम इसके थोड़े फीचर्स देख लेते हैं। और फीचर्स भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है प्रोक्सी वोटिंग के बारे में। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई प्रोक्सी वोटिंग होती क्या है। देखो, प्रोक्सी का मतलब सीधा था, जैसे कि हम हमारी कॉलेज लाइफ में यूज करते थे कि आज मैं कॉलेज नहीं आ रहा हूँ, क्लास नहीं आ रहा हूँ, तो मेरी अटेंडेंस लगवा देना, मतलब मेरी प्रोक्सी लगवा देना। मतलब क्या हुआ कि जिस भी जो इंसान को काम करना वो खुद प्रेजेंट नहीं हो रहा है, किसी दूसरे के द्वारा काम वो करवाया जा रहा है। सीधी सी बात होगी, इसको बोलते हैं प्रोक्सी कि मैं प्रेजेंट नहीं हो रहा हूँ आज क्लास में, तो मेरी जगह तू प्रोक्सी है वो लगवा देना।
तो वही बात यहाँ पे है। देखो कई बार क्या होता है कि कुछ NRI होते हैं, या फिर आप ये मान लो कि कोई भी सिटीजन सिटीजन है इंडिया का जो कि बाहर है, किसी कारणवश वो कोई भी इलेक्शन वगैरह में वोट नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी फैसिलिटी तो होनी चाहिए कि भाई वो अपना वोट वोट दे सकें, या तो अपने किसी दोस्त वगैरह के थ्रू वो वोट दिला दे, या किसी अपने घर के रिलेटिव वगैरह के थ्रू। और इसीलिए प्रोक्सी सिस्टम है वो स्टार्ट हुआ था। तो अभी प्रोक्सी सिस्टम है, इसको जो ओवरसीज इंडियंस हैं जो कि बाहर रह रहे हैं, इंडिया के नागरिक हैं बट इंडिया के बाहर रह रहे हैं, उनको प्रोवाइड करवाने के लिए बेसिक फैसिलिटी है, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो यूज किया जा रहा है। तो देखो बात ऐसी है कि हमारे देश के बाहर जो भी ओवरसीज इंडियंस रह रहे हैं उनको प्रोक्सी वोटिंग का राइट देने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है उसमें अमेंडमेंट है वो किया जा रहा है। इसी के साथ ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, इसके अंदर बात की गई कि जो भी जेंडर न्यूट्रल है ना वो होना चाहिए। मतलब जेंडर न्यूट्रल की मतलब बात यहाँ पे ये है कि अगर जब भी वोट दिया जा रहा है तो उसमें जेंडर न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेल है तो आप वोट दे सकते हो, फीमेल है तो आप वोट नहीं सकते, क्योंकि हमारे देश में आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर प्रावधान है कि मेन और मेन हो या चाहे वुमेन हो, सभी को राइट है 18+ की एज होने के बाद कि वो अपना वोटिंग राइट है वो यूज कर सकें। अब भाई अगर वोटिंग राइट को यूज कर सकें तो ऑब्वियसली जेंडर न्यूट्रल भी होना चाहिए, और इसीलिए गवर्नमेंट जेंडर न्यूट्रल बनाने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का यूज है वो करती है। तो यहाँ पे हमें दो तीन चीज़ों का पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो यह है कि प्रोक्सी वोटिंग कौन से आर्टिकल कौन से मतलब अमेंडमेंट बिल के अंदर आ जाती है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है 1950, इसके अंदर तो बात की गई है प्रोक्सी वोटिंग की, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है 1951, इसके अंदर बात की गई है जेंडर न्यूट्रल की। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी हो जाता है। और अभी देखो तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है इसका एक 20वां सेक्शन है, सेक्शन 20A। इस 20A में एक्चुअली ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी इंसान वोट देने जा रहा है तो वो फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब सीधी सी बात यह है कि प्रोक्सी वोटिंग को ये अलाउ नहीं करता है सेक्शन 20A। तो अभी इसमें अमेंडमेंट है वो किया जाना है ताकि जो भी बाहर के इंडिया के बाहर जो फॉरिनर्स इंडिया के जो लोग हैं वो बाहर रह रहे हैं NRI वगैरह हो गए, इनको भी प्रोक्सी वोटिंग का राइट है वो दिया जाए। अब इसमें होगा क्या प्रोक्सी वोटिंग में, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जैसे ये कि मान लो कि मेरे को भी वोट मैं हूँ मैं बाहर रह रहा हूँ एग्जाम्पल, और अगर मुझे वोट देना है तो या तो मैं मेरे किसी दोस्त को अपॉइंट कर सकता हूँ कि हाँ भाई ठीक है तुम मेरी जगह वोट है वो दे सकते हो, या फिर मैं मेरे रिलेटिव को बोल सकता हूँ कि हाँ भाई आप मेरी जगह वोट है वो दे सकते हो। इसके साथ ही एक दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि मैंने मेरे दोस्त को बोला कि हाँ भाई आप मेरी जगह वोट दे सकते हो, तो ऐसा नहीं कि सारे इलेक्शन में वो ही देगा, केवल एक इलेक्शन में वोट दे सकता है वो, फिर अगर दोबारा किसी के इलेक्शन हो रहा है तो वो सेम पर्सन वोट नहीं दे सकता, इसके बाद किसी दूसरे पर्सन को मुझे अरेंज करना होगा कि वो मेरी जगह जाके वोट दे। तो ये होता है बेसिकली प्रॉक्सी वोटिंग का, मतलब इसमें फिजिकली प्रेजेंस की जरूरत नहीं होगी मेरी खुद की। तो ये इसके अंदर सेक्शन को अभी हटाए जाने की बात है वो की जा रही है। और बात करें अभी हमारे देश में कि प्रोक्सी वोटिंग का क्या हाल चाल है, तो अभी तक हमारे देश में केवल केवल जो सर्विस पर्सनल्स हैं इनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई है कि वो अपना प्रोक्सी वोटिंग का राइट है वो यूज कर सकते हैं। ओवरसीज इंडियंस को भी नहीं दी गई है, ना ही NRI वगैरह किसी को ये फैसिलिटी और दी गई है। तो अभी इन सबको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने का अधिकार है, गवर्नमेंट देना चाह रही है, तो इसी के लिए अमेंडमेंट है वो किया जा रहा है, तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। UPSC पूछ सकते हैं कि रिसेंटली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट बिल 2017 का ये न्यूज में था, किस लिए था, तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ भाई न्यूज में इसलिए था कि प्रोक्सी वोटिंग का जो सीन है वो चल रहा था। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है प्रीवियस के बारे में। तो प्रीवियस है क्या, देखो ये एक सिंगल विंडो है, मतलब एक तरीके का एक सिंगल विंडो है जिसका काम ये होगा कि एक ही सारी जो फैसिलिटी होती है वो एक ही जगह प्रोवाइड है वो करवाई जाएंगी। हम इसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हम हमारी कॉलेज लाइफ से देख लो, जब भी हमें एडमिट कार्ड लेना होता था या जब फाइनल ईयर होता था उस टाइम में क्या होता था, हमें सभी जो फैकल्टी वगैरह होती थी उनसे एक लेटर साइन करवाना होता था कि हाँ भाई मेरा भी कुछ भी पेंडिंग वगैरह यहाँ पे नहीं है। अकाउंट वाले डिपार्टमेंट से हमें क्लियरेंस लेना पड़ता था कि कुछ पेंडिंग नहीं है, लाइब्रेरी से हमें क्लियरेंस लेना पड़ता था, हमें सब जगह जाके अलग अलग लेबोरेटरी वगैरह से से वो लेना होता था। तो मतलब होता क्या था, हमें अलग अलग घूमना पड़ता था, हमें DD बनवानी है तो हमें कहीं और जाना पड़ता था, इसके बाद हमें सबमिशन करना है डॉक्यूमेंट्स को तो हमें और ऑफिस में जाना होता, मतलब सीधी सी बात ये है एक काम के लिए हमें जगह जगह चक्कर है वो काटने पड़ते थे। अगर आप सोचो कि यही सारे काम सिर्फ और सिर्फ एक ही बिल्डिंग में एक ही जगह हो जाए, मतलब एक एक ही ऑफिस हो वहां पे सारे काम प्रोवाइड करवा दिए जाए तो कितना आसान होता, इसे भी इंसान को बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ते ना ही घूमने पड़ते, एक स्टेप के बाद सारा काम है वो हो जाए। और इसीलिए एक सिंगल विंडो है वो तैयार की जा रही है, किसके लिए, हमारे देश के अंदर जो भी इन्वायरमेंट से संबंधित जैसे फॉरेस्ट वगैरह कोई इश्यू हो गया या फिर इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ से क्लियरेंस वगैरह का जो भी विवाद होते हैं उनके लिए बेसिकली ये स्टार्ट है वो की गई है। मतलब
जो भी कंपनी वगैरह है उसको भटकना नहीं पड़ेगा कि पहले तो इन्वायरमेंट का क्लियरेंस लेना है तो यहाँ जाओ, इसके बाद इस ऑफिस जाओ, इसके बाद यहाँ जाओ, ऐसे घूमने का कोई सीन नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ एक पोर्टल बनाया जा रहा है, उस पोर्टल पे सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो वहीं पर हो जाएगा, फॉर्म सबमिट करना है वो वहीं पर हो जाएगा। इसके अलावा और तरह की मॉनिटरिंग करनी है या फिर आप बोल सकते हो मैनेजमेंट का प्रपोजल वगैरह, सारे काम एक ही पोर्टल पर हो जाएंगे, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तो उस पोर्टल का उस आप बोलते हो फीचर का नाम है प्रीवियस, तो ये चीज हमें ध्यान है वो रखनी है। किसके द्वारा बनाया गया है? यह बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। इसी के साथ ही इसमें स्टेट लेवल की जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बॉडीज होती हैं वो भी यहाँ पे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो देने वाली है। तो बात यहाँ पे की जाए प्रीवियस पोर्टल की, तो यह बेसिकली डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, और इसको जो टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्निकल सपोर्ट है वो दिया जाएगा NIC के द्वारा, नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर के द्वारा। इसको टेक्निकल असिस्टेंट है सपोर्ट है वो दिया जाएगा। काम जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा इन्वायरमेंट के लिए, फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सॉरी, इसके साथ ही जो CRZ क्लियरेंस होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, उन सब फैसिलिटीज को एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें सब प्रोवाइड है वो करवाई जाएगी। इसी के साथ ही हम बात कर सकते हैं, देखो गवर्नमेंट एक प्लान लेके आई थी आपको पता 2014 में, वो था डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव था सॉरी। इस डिजिटल इंडिया के कॉन्सेप्ट में क्या था? इसमें एक ये प्रावधान किया गया था कि जो गवर्नमेंट है ना इसका हस्तक्षेप मिनिमम होना चाहिए। मतलब कोई भी काम हो रहा है ना तो हमें ऐसा नहीं हो कि अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हो, वो काम बहुत ही इजीली हो जाए। और इसीलिए आपको पता है कि सेल्फ सर्टिफिकेशन के प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया था ताकि हमें अधिकारियों के ज्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़े, हम खुद ही सर्टिफिकेशन वगैरह को साइन असिस्टेंट एक तरीके से साइन है वो कर लें। तो उसी तरह पे गवर्नमेंट का प्लान ये था कि मिनिमम गवर्नमेंट होनी चाहिए और मैक्सिमम गवर्नेंस होनी चाहिए। मतलब जो जहां प्रशासन की बात आ रही है वहां पे तो मैक्सिमम होती एक चीज होनी चाहिए, प्रशासन को ज्यादा से ज्यादा अच्छा है बिल्डअप है वो किया जाए। और बात की जाए गवर्नमेंट का हस्तक्षेप वो होना चाहिए कम से कम, ताकि काम ढंग से हो सके। तो गवर्नमेंट की बार टांग अड़ रहती है किसी भी काम में, डेंगे वगैरह करती रहती है। तो गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कम होना चाहिए और प्रशासन का हस्तक्षेप ज्यादा होना चाहिए ताकि जो कमी है उनको दूर किया जा सके। तो ये जो कॉन्सेप्ट था इसी तर्ज पे प्रवेश पोर्टल बनाया गया है ताकि कोई भी इश्यूज वगैरह हो ऐसे उनको एक साथ एड्रेस है वो किया जाए। इसमें काम जैसे क्या होंगे कि ऑनलाइन कोई फॉर्म का सबमिशन हुआ या फिर किसी मॉनिटरिंग वगैरह करनी है या फिर कोई मैनेजमेंट है प्रपोजल वगैरह का, इन सारे कामों को यहाँ पे बेसिकली किया जाना है। इससे के साथ ये मान लो किसी कोई इन्वायरमेंट को कोई भी प्रोजेक्ट लगने वाला है तो उसको इन्वायरमेंट का क्लियरेंस लेना है, तो उसको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, केवल यहाँ पे ऑनलाइन फाइल कर दो बस, तो काम फिर उसी तरीके के तहत पे हो जाएगा। मतलब ऑनलाइन ही सारे काम बेसिकली किए जाएंगे। तो ये इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना कि प्रीवियस पोर्टल या प्रीवियस फैसिलिटी क्या है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा आया है वह है रेडियो गैलेक्सी के बारे में। देखो सबसे पहली चीज तो ये पता होना चाहिए कि रेडियो गैलेक्सी है क्या, फिर हम कंटेक्स्ट को डिस्कस करेंगे आगे। रेडियो गैलेक्सी का मतलब ये होता है कि हमारे ब्रह्मांड में जो एक बहुत बड़ी गैलेक्सी होती है, मतलब गैलेक्सी का देखो कोई तो गैलेक्सी छोटी हो कोई बड़ी हो, तो बहुत बड़ी जो गैलेक्सी होती है मतलब विशाल का गेंद जो गैलेक्सी होगी उसको बोला जाता है रेडियो गैलेक्सी। तो ये बहुत रेयर ऑब्जेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी की बात है तो भाई बहुत गिनी चुनी होगी, बहुत मुश्किल से ही पाई जाएगी, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। और हर गैलेक्सी की आपको बता दूं, जैसे कि ये मान लो कि गैलेक्सी की शेप अलग अलग होती है, बेसिकली नॉर्मली होती है वो इस तरह की शेप होती है जिसको बोलते हैं स्फेरिकल। तो ये चीज़ थोड़ी पता होना चाहिए कि ऐसी सी शेप होती है। तो हर गैलेक्सी का जो बीच का सेंटर वाला हिस्सा होता है, एक सेकंड सॉरी, इस सेंटर वाले हिस्से में क्या होता है, एक वो होता है ब्लैक होल, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हर गैलेक्सी के बीच वाला जो सेंटर पॉइंट होता है इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, एक ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल के बारे में हमने पहले डिस्कस किया है कि इसकी ग्रेविटेशन, इसका जो ग्रेविटी वेव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लाइट की जो भी रेज होती हैं इनको अब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है, इसीलिए यहाँ पे हमें काला काला सब कुछ नजर है वो आता है। अब कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया का एक टेलीस्कोप है जिसका नाम क्या है और कहाँ बेस्ड है वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इंडिया का एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है गेंट मेट्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप, जो कि पुणे में स्थित है, GMRT। ये टेलीस्कोप है, इसने क्या किया है, बहुत बहुत दूर है वो एक रेयर गैलेक्सी है उसको खोजा है। मतलब एक रेडियो गैलेक्सी को इसने आइडेंटिफाई है वो किया है, जो कि हमारी अर्थ से दूर है, लगभग बात की जाए तो 12 बिलियन लाइट ईयर, मतलब हमारी अर्थ से 12 बिलियन लाइट ईयर दूर है एक गैलेक्सी की डिस्कवरी है वो की गई है रेडियो गैलेक्सी। तो ये हमें पता होना चाहिए किसने डिस्कवर किया वो इम्पोर्टेंट है। ये है GMRT, गेंट मेट्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप, जो कि पुणे बेस्ड है। अब हम बात करें कि इसकी डिस्टेंस वगैरह वो सब, देखो इसमें जो डिस्टेंस वगैरह मेजर की गई है ये बेसिकली की गई थी जेमिनी नॉर्थ टेलीस्कोप, जो कि हवाई में है, इसके साथ ही बायोन्यूमेलर टेलीस्कोप है जो कि अरिजोना में है, इन दोनों के द्वारा भी इसमें हेल्प है वो ली गई है। तो इंडिया का जो टेलीस्कोप है वो इम्पोर्टेंट होता है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि भाई क्या है।
इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा सबसे बड़ा तो कि ब्रह्मांड कैसे बना, इसके जो भी रहस्य हैं उनको समझने में हमें हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही गैलेक्सी किस प्रकार बनी है, हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, उसका कैसे कैसे काम किया जा रहा है, वो सारे फीचर्स हम इसके द्वारा स्टडी करने में हेल्प है वो हो सकते हैं। तो उसको लेके आर्टिकल आया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है ऑपरेशन मदद। देखो ऑपरेशन मदद है वो बेसिकली 9 अगस्त 2018 को केरला में चलाया गया था, क्योंकि केरला में अभी बाढ़ की हालात हो रखी है। उन बाढ़ की हालात में बचने के लिए साउथर्न नेवल जो कमांड है उसके द्वारा बेसिकली कोचीन जो केरल के अंदर आती है वहाँ उसकी स्टार्टिंग है वो की गई थी। तो यूपीएससी पूछ सकती है ऑपरेशन मदद उत्तराखंड से मिस द फॉलोइंग में करवा सकती है केरला से, तो बताना चाहिए कि हाँ भी ऑपरेशन मदद है वो अभी रिसेंटली केरला के अंदर चलाया गया था, तो वहाँ पर मिस द फॉलोइंग में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके द्वारा, साउथर्न जो नेवल कमांड है उसके द्वारा ऑपरेशन चलाया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है पेंसिल पोर्टल के बारे में, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो पेंसिल पोर्टल है वो एक लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया पोर्टल है। इसकी फुल फॉर्म यह है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। मतलब क्या है कि हमारे देश में चाइल्ड लेबर है, इसको डिप्रमोट या चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए बेसिकली पोर्टल वो बनाया गया है, ताकि इसके जो भी रूल रेगुलेशन है इनको ढंग से ट्रैक है वो किया जा सके। बात ऐसी है कि हमारे देश के फंडामेंटल राइट में आपको पता है कि चाइल्ड लेबर को बैन है वो किया गया है, बट फिर भी कहीं ना कहीं इसका यूज है वो किया जाता है। तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई या उसको ट्रैक करने के लिए, मतलब हमारे देश में चाइल्ड लेबर है वो ना हो, इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए पेंसिल पोर्टल है वो बनाया गया था लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा, ताकि चाइल्ड लेबर है उसको काउंटर किया जा सके और चाइल्ड है उनको कहीं ना कहीं आगे एजुकेशन में सपोर्ट है वो दिया जा सके। तो ये बेसिकली यहाँ पे बात है उसकी की गई है। अभी देखो क्या था, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट था, इसके इम्प्लीमेंट उसको ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए पेंसिल पोर्टल है उसने अपना सपोर्ट है वो बेसिकली दिया है। तो उसको लेके बेसिकली ये कंटेक्स्ट है वो आया है। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें, पहले तो ये पता होना चाहिए कि पेंसिल पोर्टल है किस लिए, चाइल्ड लेबर है इसको एक तरीके से काउंटर करने के लिए पोर्टल है वो बेसिकली बनाया गया है। दूसरी बात यह है कि लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा इसको डेवलप है वो किया गया है, ताकि हमारे देश में कोई भी चाइल्ड लेबर है वो ना हो सके। इसके साथ ही अहम बात है इसके 5 कंपोनेंट भी हैं। एक तो ये काम है कि चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, मतलब चाइल्ड को कहीं भी लेबर वगैरह किया जा रहा है तो उसको ट्रैक किया जाएगा कि भी कहाँ पे उसको एक्चुअली लेबर वगैरह का काम करवाया जा रहा है। इसके बाद ही कंप्लेंट कॉर्नर, मतलब वहाँ पे कंप्लेंट वगैरह रजिस्टर हैं वो की जाएंगी। इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट है उनका भी योगदान है वो भी काफ़ी अहम रहेगा, और नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट है इनको भी यहाँ पे फोकस है वो किया जाएगा, ताकि चाइल्ड लेबर को कव है वो किया जा सके। तो ये बेसिकली एक आर्टिकल था जिसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट जो एक आर्टिकल है वो बेसिकली स्कीम के बारे में है, वो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को लेके। तो इसके बारे में 2-4 पॉइंट्स वो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। देखो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मतलब क्या है पहले तो वो समझते हैं। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मतलब ये है कि किसानों की जो लागत है ना, जो बाहर से किसान चीज़ें खरीदते हैं फसल के लिए, जैसे कि पेस्टिसाइड वगैरह हो गए, बीज वगैरह, ऐसी चीज़ें वो बाहर से ना खरीदें, मतलब अपने घर में जो होममेड चीज़ें हैं उन्हीं का यूज करें, ताकि उनका जो खर्चा है वो बाहर का एक्सटेंड खर्चा ना बढ़े, केवल घर वाली चीज़ों को ही वो यूज करके अपना अच्छे से गुजारा है, आप बोल सकते हो कि अपने अच्छे से फार्मिंग खेती उसको प्रमोट कर सकें, ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। अभी कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR है, उसका एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, और एक प्रोजेक्ट और है जिसका नाम है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। ये दो प्रोजेक्ट है ना, इसका मेन मोटो ये रखा गया कि हमारे देश के अंदर जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है इसको बिल्डअप किया जाए, मतलब फार्मिंग सिस्टम की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसके द्वारा प्रोजेक्ट है वो चलाए गए हैं। अभी बात कुछ इस प्रकार आई कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ जगह है, जैसे उत्तर प्रदेश में मोदीपुरम जगह है, पंजाब में लुधियाना है, इसके साथ ही उत्तराखंड में टनानगर है और हरियाणा में कुरुक्षेत्र है। इन एरियों में रबी की जो फसल है इसके ऊपर बेसिकली रबी की फसल में बात यहाँ पे की जा रही है मेनली राई, बासमती राइस और गेहूं, इन दोनों के ऊपर जीरो बजट जो फार्मिंग कॉन्सेप्ट है इसको बिल्डअप किया जाए, मतलब गवर्नमेंट जीरो बजट फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए इस बार की रबी की फसल के अंदर काफ़ी सारी फैसिलिटी लेके आ रही है। तो उसको लेके भी कंटेक्स्ट है वो आया है। तो हम थोड़े इसके फीचर्स देख लेते हैं, उनके बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मतलब यह है कि किसानों की जो कॉस्ट है, जो कि बाहर से वो खरीदते हैं चीज़ें, वो जीरो कर दी जाए, मतलब बाहर से किसान चीज़ें ना खरीदें, पेस्टिसाइड वगैरह अपने घर पर तैयार हैं वो करें, नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी प्रमोट यहाँ पे करें, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। जैसा कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो नीड टू परचेज, मतलब बाहर से कोई चीज़ को परचेज करने की जरूरत नहीं है, चाहे पेस्टिसाइड हो चाहे कोई और चीज़ हो।
क्योंकि वो हेल्थ को कहीं ना कहीं नुकसान है वो पहुंचाती है। इसके साथ ही बात यह है कि इसका बेनिफिट और ये होगा कि देखो अगर घर की चीज़ें यूज की जा रही हैं तो एक तो किसानों की लागत है वो कम हो जाएगी, तो किसानों को मुनाफा कब ज़्यादा मिलेगा। दूसरी बात ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बढ़ेगी, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ती है तो किसानों की इनकम भाई वैसे ही बढ़ेगी क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें तो वैसे ही थोड़ी महंगी बिकेंगी तो किसानों को फायदा होगा। इसमें जैसे यूज किया जाएगा अर्थ वर्म, केचुए वगैरह होते हैं वो, काऊ डंग जो गाय का गोबर होता है उसकी हेल्प से खाद बनाई जाएगी, गाय का यूरिन हुआ, फिर जो सड़े गले पेड़ पौधे हैं वो हुए, इसके साथ ह्यूमन का जो वेस्टेज हुआ उन सारी चीज़ों को यूज किया जाएगा ताकि जो फसल है उसको ढंग से प्रोटेक्ट किया जा सके और फसल की ग्रोथ है वो अच्छी हो सके। किसानों का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे कम कर दिया जाएगा और इसका एक बेनिफिट ये भी होगा कि सोयल की क्वालिटी भी मेंटेन है वो रहेगी। तो ये बेसिकली इसके कुछ फीचर्स हैं, कहाँ कहाँ पे इसको भी इम्प्लीमेंट किया गया है वो आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए कंटेक्स्ट वगैरह को लेकर। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।